भाई दुनिया में कुछ भी बकचोदी खरीद लेना, ये मत खरीदना, बहुत बकवास चीज़ है ये। डफल बैग है जो क्लासिक 350 के पीछे लगता है रॉयल इनफील्ड के, तो इसके ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो ये दिखने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मतलब ठीक है, चीप चीप लुक दिखता है, मतलब मज़ा नहीं आएगा। प्लस यूटिलिटी कुछ है नहीं, क्योंकि आप इसमें कुछ सामान रख नहीं सकते ज़्यादा, ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा सामान आप रख नहीं पाओगे। इसके अलावा जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि ये आपके टैंक को घिस देगा, पीछे वाला जो आपका मडगार्ड है ना उसको ये घिस देगा, उसमें स्क्रैचेस वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो ये इसकी बड़ी दिक्कत है कि इसमें स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। अगर आप उसमें कुछ कुछ प्रोटेक्टेड कवर भी लगा लेते हो ना, स्टिल वो आपको फील नहीं आएगा। और अगर आपने नहीं लगाया ना गलती से उसमें स्लिप नीचे, तो ये बहुत गंदा उसको स्क्रैच कर देगा। एक आध स्क्रैच मेरे बाइक में भी आ गए हैं, हालांकि मैं उन्हें मेंटेन कर रहा हूँ। तो इसका कोई मतलब नहीं है अगर आपको कुछ सामान रखना ही है ना, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सामान कैरी करना है टूरिंग पे जा रहे हैं, तो प्रॉपर पेनियर्स वगैरह लगाओ और प्रॉपर जो है उसमें बैग वगैरह इंस्टॉल कराओ तो ठीक है। अदरवाइज इसमें क्या ही आएगा, अब इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ, इसमें क्या रखोगे आप, देखो इतना सा तो है ये, इसमें क्या रख सकते हो आप, पावर बैंक के अलावा और इसमें कुछ नहीं आएगा। और अगर आपको कुछ सामान लेना है तो एक बैग रख लो यार, स्लिंग बैग टाइप का रख लो, वो डाल के चले गए बाइक पे और लुक भी बहुत ख़राब कर देता है, वो बिल्कुल वर्थ नहीं है। और मैं भी आपको दिखाता हूँ कौन से स्केचेस की मैं बात कर रहा हूँ जो इससे मेरी बाइक पे भी आ गए हैं। देखो यार अभी सही से दिख नहीं रहे होंगे, बट ये स्केचेस इसमें आ गए, वाइट वाइट पड़ गया, इसको भी सही करना पड़ेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि इस चीप क्रैप से बचें, इसका कोई यूज नहीं है। प्रॉपर या तो बैग लेके जाएं कुछ सामान लाना है तो, या फिर प्रॉपर पैनियर लगा के प्रॉपर जो डफल बैग है वो प्रॉपर इंस्टॉल कराएं, इसका कोई